तो हेलो गाइज, आज हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर जो फ्रैंकलिन है उसका हेड काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। तो आज हमें किसी भी तरीके से इसके हेड को बिल्कुल नॉर्मल करना है। और गाइज, हम लोग फ्रैंकलिन के हेड को छोटा करने के लिए इस साइंटिस्ट की हेल्प लेने वाले हैं। और गाइज, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस साइंटिस्ट तक पहुँचने के लिए मेरे को बेसिकली 2 मिशन को कम्प्लीट करना होगा। तो वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो हेलो गाइज, स्वागत है आज के हमारे एक और नए वीडियो में। तो गाइज, यहाँ से मैं अपनी फार्चूनर कार ले लेता हूँ और गाइज मेरे को डायरेक्टली यहाँ से चलना होगा कार्सरूम, क्योंकि कार्सरूम पर मेरा एक फ्रेंड रहता है, वही मेरे को आगे के मिशन के बारे में बताने वाला है। बट हाँ गाइज, मेरे को तो इतना पता है कि इस गेम के अंदर हमें 2 मिशन को कम्प्लीट करना होगा, तभी हम लोग फ्रैंकलिन के जाइंट हेड को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर पाएंगे। तो लेट्स गो गाइज, चलो हम लोग जल्दी से कार्सरूम पर चलते हैं, क्योंकि वहीं पर चलने के बाद हमको बिल्कुल परफेक्टली तरीके से मिशन के बारे में पता चलेगा। अभी मेरे को कुछ भी नहीं पता है कि क्या क्या चीजें को कलेक्ट करना है और कौन से लोकेशन पे जाना है। ओके भाई लोग, तो आप लोग देख सकते हैं सामने ही कार्सरूम दिखाई दे रहा है। तो चलो गाइस, जल्दी से हम लोग अपनी कार को लेकर चलते हैं कार्सरूम। अरे भाई, ये क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर। अरे भाई, मेरी कार की जो ब्रेक थी वह फेल हो गई, इस वजह से मैं अपनी कार को कंट्रोल नहीं कर पाया और यहाँ पर बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया। चलो गाइस, मैं अपनी कार से बाहर आता हूँ। एंड बेट गाइस, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे करेक्टर को क्या हो गया, लिटरली गाइस यहाँ पर तो हमारा गेम बस्टेड हो गया। अरे भाई, अब मेरे को दोबारा से कार्सरूम पे आना होगा। कोई बात नहीं गाइज, तो आप लोग देख सकते हैं दोबारा से हमारा गेम ओपन हो चुका है और इस बार गाइज मैं काफी ज्यादा सावधानी से अपनी कार को ड्राइव करके चलने वाला हूं, क्योंकि गाइज ये फार्चूनर कार का कोई भरोसा नहीं होता, कहीं पर भी पलट जाती है, कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है। तो कोई बात नहीं गाइज, इस बार मैं अपनी कार को बिल्कुल धीरे धीरे और सावधानी से ड्राइव करूंगा और इस बार आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं रोड वाला रास्ता जा रहा हूँ, ताकि गाइज हमारा कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो और बड़ी ही इजिली हम लोग कार्सरूम तक पहुंच जाए। राइट गाइज, तो आप लोग देख सकते हैं फाइनली यहाँ पर मैं अपनी कार को लेकर कार्सरूम आ चुका हूँ। चलो जल्दी से अपनी कार को यहीं पर पार्क कर देते हैं। और गाइज, हमारा जो फ्रेंड है वह आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहा, शायद से अंदर होगा। तो चलो गाइज, हम लोग अंदर चलकर देख लेते हैं। ऑलराइट गाइज, तो आप लोग देख सकते हैं फाइनली यहाँ पर मैं अपने दोस्त के पास आ चुका हूँ और इसने मेरे को 2 मिशन दिया है। तो यहाँ पर जैसे ही गाइज मैं पहले वाले मिशन पर क्लिक करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं यह कोई पानी वाला एरिया है और शायद से गाइज मेरे को पानी के अंदर इस रैंप को कम्प्लीट करना होगा। एंड इसके बाद जैसे सेकंड वाले पर क्लिक करता हूँ, तो भाई आप लोग देख सकते हैं यहाँ तो कोई रैंप है, शायद से गाइज मेरे को इस रैंप को कम्प्लीट करके उस बिल्डिंग के टॉप पर जाना होगा। ओके गाइज, तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि मेरे को बस केवल 2 ही मिशन करना होगा, उसके बाद फ्रैंकलिन का जाइंट सर हमको मिल जाएगा और फिर उसके बाद गाइज मैं उस जाइंट हेड को लेकर जाऊंगा उस साइंटिस्ट के पास और वो फिर एक्सपेरिमेंट वगैरह करके उस जाइंट सर को नॉर्मल कर देगा। तो लेट्स गो गाइज, यहाँ से मैं सबसे पहले अपना फर्स्ट वाला मिशन कम्प्लीट करने वाला हूँ। तो जैसे ही गाइज यहाँ पर मैं फर्स्ट वाले लोकेशन पर क्लिक करता हूँ, एंड बेट गाइज ये मेरे को कौन सी लोकेशन पर लाकर खड़ा कर दिया है। अरे भाई, यहाँ पर मैं पानी वाली लोकेशन पे आ चुका हूँ, शायद से गाइज मेरे को इसी बाइक से इस मिशन को कंप्लीट करना होगा। ऑलराइट गाइज, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला चैलेंज स्टार्ट हो गया, तो चलो इसे जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर गाइज मैं बाइक को लेकर आ चुका हूँ इस वाले रैंप के पास, यह तो घूम रहा, चलो मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ। एंड बेट गाइज, यहाँ पर मैं नीचे गिर गया, मेरे को दोबारा से इस मिशन को स्टार्ट करना होगा, क्योंकि भाई इस मिशन का एक रूल है, अगर हम लोग कहीं पर भी नीचे गिर जाते हैं तो इस मिशन को हमें दोबारा से स्टार्ट करना होगा। अरे गाइज, मैं काफी ज्यादा बड़ा नूब हूँ। ओके भाई, तो मैं दोबारा से आ चुका हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने मिशन को। इस बार गाइज मैं पूरे तरीके से इसे कंप्लीट करने की ट्राई करूंगा। तो जैसे ही भाई लोग हम इस मिशन को कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसके बाद दोबारा से हमें एक और मिशन को करना होगा, तब हम लोग जाकर उस जाइंट फ्रैंकलिन की मुंडी को ढूंढ पाएंगे। तो ओके गाइज, दोबारा से मैं उस रैंप के पास आ चुका हूँ, इस बार मेरे को काफी ज्यादा सावधानी से आगे बढ़ना होगा। ओके भाई, तो रैंप आने ही वाला है। ओके गाइज, तो बस रैंप आने ही वाला है, मेरे को थोड़ा सा वेट करना है, आ चुका है। चलो गाइज आगे चढ़ते हैं। ओके भाई, मैं रैंप पे आ चुका हूँ, यहाँ से मेरे को नीचे जंप करना होगा, क्या होता है। ओ भाई, जंप कर चुका हूँ, लेट्स गो गाइज। तो अब आगे चलते हैं, यहाँ से मेरे को थोड़ा खतरनाक जंप लेना होगा। अरे भाई, क्या होगा, परफेक्ट लैंडिंग हो गई। ओके भाई, ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ चुका हूँ। अरे भाई, क्या कर रहा है, दोबारा से नीचे जाने का ट्राई कर रहा है। अरे तेरे को नीचे नहीं जाना है, बल्कि मिशन को कंप्लीट करना है। ओके भाई, तो यहाँ पर हमारी जो बाइक थी वह घूम चुकी है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितने ज्यादा घूमते हुए कंटेनर लगे हुए हैं। अरे भाई लोग, मेरे को इस मिशन को काफी ज्यादा सावधानी से करना होगा, वरना मैंने जरा से भी गलती की तो मैं नीचे चला जाऊंगा। ऑलराइट भाई, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इस कंटेनर को कंप्लीट कर दिया, अब आगे क्या होने वाला है मेरे को कुछ भी पता नहीं है। वो भाई, यहाँ पर दोबारा से घूमता हुआ कंटेनर आ चुका है। और हाँ गाइज, आप लोग वहाँ सामने दूर देख सकते हैं एंडिंग पॉइंट दिखाई दे रहा है, मेरे को इन सारे मिशन को कंप्लीट करते हुए बिल्कुल उसी लोकेशन पे जाना होगा। ओके भाई, तो यहाँ पर मैंने एक और कंटेनर को कंप्लीट कर दिया है, मेरे को आगे चलना होगा। ओके भाई, आगे चल रहा हूँ और अब यहाँ से गाइज मेरे को थोड़ा सा स्पीड रख कर जंप करनी होगी। ओके भाई, तो यहाँ पर मैंने जंप लगा दिया, बस लैंडिंग हो जाए। ओ ऑलराइट गाइज, तो यहाँ पर हमारी बिल्कुल परफेक्ट लैंडिंग हो चुकी है। अब साथ से गाइज आप लोग देख सकते हैं मेरे को इसी को कंप्लीट कर
करने के बाद मेरा एंडिंग पॉइंट आ जाएगा। अरे भाई इतना ज्यादा खतरनाक चैलेंज को आखिरकार किस बंदे ने बनाया है, आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा खतरनाक मिशन है। बट किसी तरीके से गाइज यहाँ पर मैंने सारे मिशन को कम्प्लीट कर दिया, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है। ओके भाई इस बार भी मैंने परफेक्ट जंप करा लिया है। बस गाइज अब थोड़ा सा ही सामने बचा हुआ है, इसके बाद हम लोग अपना फर्स्ट मिशन कम्प्लीट कर लेंगे। तो लेट्स गो गाइज, चलो जल्दी से चलते हैं। अरे भाई क्या कर रहा है, जल्दी से जंप लगाओ भाई, नीचे कुछ है। ओ भाई फाइनली यहाँ पर हमारा ये वाला मिशन कंप्लीट होने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपना फर्स्ट वाला मिशन कंप्लीट कर दिया है। एंड हाँ गाइस, अब इसके बाद हम लोग अपने दूसरे मिशन को कंप्लीट करने के लिए चलने वाले हैं सीधा रैंप वाले एरिया में, जो आप लोगों को वहाँ पर सामने ऊंची सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, बिल्कुल हमें उसी बिल्डिंग के ऊपर रैंप को कम्प्लीट करके जाना है। और जैसा की गाइस आपको पता होगा की जो आपका भाई वो काफी ज्यादा प्रो है, ऐसे छोटे मोटे मिशन को तो यूं ही कम्प्लीट कर दूंगा। तो लेट्स गो गाइस, आप लोग देख सकते हैं सामने ही रैंप दिखाई दे रहा है, मेरे को इसी रैंप से होते हुए ऊपर जाना होगा। और यहाँ पर गाइज आसपास कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा जिसका यूज करके हम लोग उस ऊंची बिल्डिंग तक पहुंच जाए, तो इसी वजह से गाइज मेरे को इस रैंप को कंप्लीट करना होगा। ऑलराइट गाइज, तो फिर यहाँ पर मैं बाइक को लेकर आ चुका हूँ रैंप के सामने, तो चलो जल्दी से इस मिशन को कंप्लीट कर देते हैं। इस मिशन में क्या रखा हुआ है, या तो काफी ज्यादा इजी मिशन है। तो लेट्स गो गाइज, यहाँ से मैंने बाइक को जंप करा दिया है, बस अब लैंडिंग हो जाए। अरे भाई ये क्या हो गया, अरे भाई यहाँ पर तो मेरी लैंडिंग ही नहीं हुई, अब मेरे को इस मिशन को दोबारा से करना होगा। तो लेट्स गो गाइज, चलो दोबारा से करते हैं। ओके भाई लोग, तो यहाँ पर मैं दोबारा से आ चुका हूँ और इस बार मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करने की ट्राई करूंगा। ओके गाइज, तो यहाँ पर लैंडिंग हो चुकी है, तो चलो आगे चलते हैं। ये कंटेनर काफी ज्यादा खतरनाक है भाई, यहाँ पर बाइक को ड्राइव करने में काफी ज्यादा डर लग रहा है। ओके गाइज, तो बस मैं पहुंचने ही वाला हूँ, यहाँ से मेरे को बाइक को घुमाना होगा। अरे भाई कैसा कैसा रास्ता इन्होंने बना दिया है। ऑलराइट गाइज, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं बिल्डिंग के ऊपर आ चुका हूँ, अब यहाँ से मेरे को नीचे चलना होगा। ओके भाई, तो चलो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी बाइक को थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ। और गाइज आप लोगों को तो पता ही होगा कि जो सामने रैंप है वह काफी ज्यादा खतरनाक है, मेरे को यहाँ पर बड़ी ही सावधानी से बाइक को ड्राइव करना होगा। अरे भाई फ्रैंकलिन क्या कर रहा है, धीरे धीरे ड्राइव कर, मेरे को काफी ज्यादा डर लग रहा है। ऑलराइट गाइज, तो आप लोग देख सकते हैं फाइनली यहाँ पर मैंने इस वाले चैलेंज को भी कम्प्लीट कर दिया है। बस गाइज मेरे को थोड़ा सा और आगे चलना है, उसके बाद हमारा ये वाला मिशन कम्प्लीट हो जाएगा। और भाई आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं कितना खतरनाक तरीके से बाइक को ड्राइव कर रहा हूँ, यह भाई कितना खतरनाक रैंप है, पता नहीं किस बंदे ने इस रैंप को बनाया है। बट कोई बात नहीं गाइज, अगर हम लोगों को मिशन मिला है तो इसे कम्प्लीट ही करना होगा। तो ऑलराइट गाइज, आप लोग देख सकते हैं मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ, मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ही सावधानी से बाइक को ड्राइव करना होगा। अरे भाई ये कैसा कैसा रैंप इन्होंने बना दिया है, यहाँ पर तो मेरा जान निकल जाएगा। ऑलराइट गाइज, तो फाइनली यहाँ पर मैं इस बिल्डिंग के ऊपर आ चुका हूँ। अरे भाई आप लोगों ने देखा, मैंने किसी भी तरीके से इस मिशन को कम्प्लीट कर दिया और मेरे को सामने ही साइंटिस्ट देखने को मिल जाता है, अपनी मशीन में कुछ कर रहा है। तो चलो गाइज, फिर हम लोग अपने फ्रैंकलिन का जाइंट सिर इसके मशीन के ऊपर रख देते हैं। ओके भाई, तो यहाँ पर मैंने सर को इसके मशीन के ऊपर रख दिया, आप देखते हैं आगे ये क्या करता है। बेट भाई आप लोग देख सकते हैं यह साइंटिस्ट तो सच में इस फ्रैंकलिन के जाइंट सिर को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर दिया है। अरे भाई आप लोगों ने देखा ही होगा कि आपके सामने इस साइंटिस्ट ने कैसे फ्रैंकलिन के जाइंट सिर को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर दिया है। ओके भाई, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर सारे के सारे मिशन को कम्प्लीट करके फ्रैंकलिन के जाइंट सिर को बिल्कुल नॉर्मल कर दिया है। तो बस भाई आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर।